दादा, आपने जब हमको बुक किया, रिकॉर्डिंग है मेरे पास, मैंने आपसे क्या कहा था, मैं इस चैनल पे बॉन्ड हूँ, मेरा इस चैनल पे एग्रीमेंट है, मैं दूसरे चैनल पे नहीं गा सकता, कहा था आपसे हमने, ये कहा था प्रोग्राम से कराएं अथवा ना कराएं, ये बात थी। अब आप कह रहे हो कि आप, हम डरते नहीं है, ये क्या डरने वाली, कुश्ती लड़ोगे क्या? अरे पीछे वाला नहीं कह रहा भाई साहब, ऐसे पहले की बात मैं जरूर आपसे करना चाहता हूँ। हेलो, ये तो बात चलो हमसे रही, हेलो, मैं हमेशा एक बात करता हूँ और एक पर ही डिपेंड रहता हूँ। हेलो हेलो, मैंने आपसे कार्यक्रम लेने से पहले ये बात कही थी कि बड़े भैया आप हमसे कार्यक्रम कराएं अथवा न कराएं, कैमरा सिर्फ मेरा लगेगा, लेकिन आपने यहाँ पर फिर ड्रामा किया। हमको ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते, मैं जो बात कहता हूँ उस पर डटा रहता हूँ, मैं जो कहूँ, मैंने साफ आपसे मना कर दिया, मना कर देते भैया हम कार्यक्रम आपसे नहीं कराएंगे, दूसरा लगा लेते, इतना बवाल करने की क्या जरूरत थी, और फिर भी आप कह रहे हो डर रहे हो, हम डर क्यों रहे हैं, क्या तुम हमें खा जाओगे या तुम्हारा कैमरा वाला हमें खा लेगा, डर रहे हो, पीछे वाला झींकता, हमें तुम्हारी अपवाद मालूम है झींका वाले, 100-100 रुपए में प्रदीप प्रकाश संग बजा रहे थे, आज तुम इनके संग आ गए और चिल्लाते बहुत हो। निवेदन है कि देखिए मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं हर व्यक्ति को यह शिक्षा देना चाहता हूं, आपको अच्छी लगे तो मानना, बात की व्यक्ति की बहुत वैल्यूएशन होती है, जिस व्यक्ति की बात खराब उसका जीवन खराब हो जाता है, इंसान के चित्र की पूजा नहीं होती, पूजा होती है उसके चरित्र की। राजवीर भैया जवान बेकार तो जीवन बेकार, निवेदन है आपसे हाथ जोड़ के, हम डरते किसी से नहीं है, इतना ध्यान रखना। अब सुनिए आपके पीछे वाले, हेलो हेलो, एक बात और बार बार कि तुम्हारे पीछे वाले बोल रहे थे, हमारे पीछे वाले अभी बोले नहीं हैं, और बोलेंगे तो तुम मंच से उतर के भाग जाओगे, इतना याद रखना, हमारे पीछे वाले झींका नहीं बजाते हैं, हमारे पीछे वाले जवाबी खुद करते हैं। बड़े भैया सैलू अंकुश जी, पीछे श्री शिव कुमार मिश्रा जी, हमारे चाचा जिन्होंने तुम्हारे ऐसे चेले पैदा करके छोड़ दिए, हेलो आ रहा है, आदरणीय हमारे दादा मुकेश पेंटर जी, राज जी, मेरे पीछे वाले ऐसे बोलते नहीं है, अरे जवाबी हमारी आपकी है, झींका वाला थोड़ी नहीं जवाबी लड़ेगा, इसको 100 रुपए मिले इससे कह देना मुंह पे लगाम लगा के रखे, जवाबी हमारा और आपका है, अभी आप हमसे परिचित नहीं है, प्रदीप जी से पूछना। सुनिए आपने कहा खोदा पहाड़ निकली चुहिया, बेटा गरम दूध को मठा समझ के मत पीना, बहुत बहुत कह रहे हो कि घबराओ मत, हम तो भैया घबरा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप हुआ हो, हम तो दूध पीते बच्चे हैं, तुमसे घबराएंगे नहीं, क्या करेंगे। जय जय, पीछे वाला कह रहा टेंशन मत लो, बहुत बढ़िया, टेंशन हम लेते नहीं है, देते हैं, सपा जनेऊ वालों पंडित मत समझ लियो, बड़ा चंदन, लाचार पर कभी अत्याचार नहीं करते, और मारे हुए पर अपना अधिकार नहीं करते, और सभी जानते हैं भूखे रहना मंजूर है, मगर कभी शेर लंगूर का शिकार नहीं करते, तुम जिस भांति के हो उसी भांति के रहो, ध्यान रखना, पीछे वालों को मन छेड़ो मत, आगे वालों को छेड़ो, बता रहे, सुनिए, ज्ञानी वही गमगीन हो, ये गम में आकर नहीं ज्ञान गमावे, गरज उठे उसकी सत्ता फिर भी न कभी दिल में गर्वावे। हमारे तमाम कीर्तनकार यहाँ पर बैठे हैं, सुनना, ज्ञानी वही गमगीन हो, गम में आकर नहीं ज्ञान गमावे, गरज उठे उसकी सत्ता फिर भी न कभी दिल में गरबावे, गाली दे जाए गमार कोई फिर भी न गिला दिल सिकवा लावे, क्रोधी कहता है ज्ञानी वही गदगद होकर गोविंद गुड़गावे।
एक बात और आपको बता देना चाहता हूँ, जो रहीम उत्तम प्रकृति कहा करे सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। यहाँ कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। मैं तुम्हारे गुरु जी से कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि आपके गुरु तो मेरे गुरु हैं। गुरु आखिर गुरु होता है। लेकिन निवेदन है बड़े भैया राजवीर जी, अगर आपने पीछे वालों को ज्यादा बुलवाया तो शायद आप बोलने के लायक नहीं रहे। आप फिर मत कहना कि चंदन बताया नहीं। इनको समझा दो अभी से। हम आपको अभी से सावधान कर रहे हैं, हमारे पीछे वाले कोई नहीं बोलेंगे। यार लोग 25% छूट मांग रहे हैं, जैसे पार्ले जी पर आता है। राजवीर भैया, सरस्वती मैया की कसम खा रहा हूँ, मैंने खुद कह रखा है कि बोलना मत, क्योंकि तुम्हारी पोजीशन देख के लग रहा अगर ये बोले तुम यहाँ से फुर छोड़ो अपना काम। राजवीर भैया, और अगर पीछे वालों को बोलने का ज्यादा मजा हो तो पीछे वाले को अपने खड़ा कर दो, हम पीछे वाले को अपने खड़ा कर रहे हैं। देखो सबका बाप अंगूठा है। जरा संध्या की तरह खुजली मिट जाए तुम्हारी। आइए सुनिए, बड़ा सुंदर आपने खंड गीत गाया है। अरे लाख छुपाए बैठी थी मैं, हवा ने पहरे को। चंदन भैया ऐसे गाना पहले गाने खुद तो कल सीखो। मुझे प्यार हो गया, होने दो, इकरार हो गया, होने दो, अरे बाहों में चूक न जाए ऐसे मौके से। और तुमको हमने देख लिया, आज पता लग गया तुम्हारी दो बातें हैं, सांप के जवान दो, तुम्हारी भी बातें दो। और अरे आबाहों में चूक न जाए ऐसे मौके से, अरे तुझको पियाने देख लिया, आए रे धोखे से, माना कि मुझे दिल देगा वो मगर मेरी जान ले जाए। अब सुनिए, राम से जब बाली ने कहा कि मुझे क्यों मारा, किस बास दे बोलो, राम मोहे मारा बोलो, राम मोहे मारा बोलो, राम मोहे मारा। ये गीत आदरणीय दादा श्री बाबूलाल जी का है, जो कि हमारे नगरिया चौराहे मैनपुरी पर गाया था, उसको आपने खंडन करके पेल दिया। अब सुनिए राम ने क्या कहा। पुत्र वधु भगिनी सुत नारी, सुन सठ कन्या ये समचारी, कुदृष्टि बिलो कहे जोई, ताहे बधे कछु पाप न होई। बहुत अच्छे, ये हमारे पापा ने नहीं लिखा, आदरणीय परम आदरणीय गोस्वामी श्री तुलसीदास जी लिख के चले गए, जिनकी महिमा को आज हम और आप न जाने कितने बड़े बड़े कलाकार गाते हैं। उन्होंने ये कहा, पुत्र वधू भगिनी सुतनारी, इन चारों को जो भी कुदृष्टि से देखता है उसको मारने में कोई पाप नहीं होता है, नहीं लगता। अब सुनिए राम ने क्या कहा, क्या कहा। अरे कुकर्मी ओ नीच लफंगा, और ये 51 रुपए हमारे भैया
बेदर्दी कान्हा दीवाना गोपी वियोग भजन संदीप कुमार कोहली फरीदपुर। इधर से मकान नहीं रखाई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भैया को। सुनिए बिल्कुल साफ सुथरी बात होगी, मकान नहीं रखाई जाएगी। अरे नीच लफंगे ओ कुकर्मी को दृष्टि बधु पर डाली है, को दृष्टि बधु पर डाली है, को दृष्टि बधु पर डाली है। और डाली डाली मैंने डाली आज धरा पे डाली है, आज धरा पे डाली है, आज धरा पे डाली है। आज मैंने उस डाली को कतर डाला जिसने अपने भाई की, अपने छोटे भाई की बहू पर बुरी दृष्टि को डाला है, उस व्यक्ति को मारा। अब सुनिए, तेरा ताज है लेना सुनो वाली, मेरे पिताजी का ताज तुम्हारे पास है, वो भी मुझको लेना है। तेरा ताज है लेना पूरा प्रण लेना, और भव सागर से तर जाएगा, पड़ा है जो चक्कर। अरे भवसाकर से, जो भवसाकर के चक्कर में तू पड़ा था, मेरे हाथों से मर के सीधा तर जाएगा बेटा, भवसागर से तर जाएगा, पड़ा है जो चक्कर। टक्कर मुझसे टक्कर ना ले, तुम हमसे ये कह रहे हो कि टक्कर, अरे टक्कर मुझसे टक्कर ना ले, मुझसे टक्कर भी नहीं, टक्कर नहीं लेती, क्योंकि टक्कर को भी मैंने ही बनाया है। सुनिए, अरे भवसागर से तर जाएगा, अरे खाता जो चक्कर, मुझे अब जान लेगा तू, पहले नहीं जाना, मुझे अब जान लेगा तू, और अब पहचान लेगा तू, अब जान लेगा।